और आगे बढ़े इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की सेना लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला कर रही है। हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमले का वीडियो सामने आया और इस हमले में हिजबुल्ला को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। एक के बाद एक जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं, हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। IDF ने हिजबुल्ला के कैंप को निशाना बनाया है और बहुत बड़ा नुकसान इससे हिजबुल्ला को हुआ है, यह भी दावा किया गया। इसराइल और हमास के बीच 15 दिनों से भीषण जंग लगातार जारी है। इसी बीच IDF ने इस जंग में 1000 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इसराइल की सेना का दावा यह है कि इस युद्ध में अब तक हमास के दर्जनों नेता भी मारे जा चुके हैं और इसे बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसराइल जरूर देख रहा है। युद्ध के बीच IDF का ये बहुत बड़ा दावा है। कई सारे आतंकी, 1000 आतंकी मार गिराए गए हैं, ढेर कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा दावा IDF की तरफ से किया गया। और उधर हमास और इसराइल में छिड़ी जंग के बीच हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें 2 अमेरिकी नागरिकों को हमास की तरफ से इसराइल की सेना को सौंप दिया गया, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल और कतर को इसके लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि हमास ने कतर की मध्यस्थता के बाद ही बंधक बनाई गई अमेरिका की रहने वाली मां बेटी को रिहा किया, जिन्हें इसराइल की सेना ने हमास के लड़ाकों से सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इसराइल पर भीषण हमला किया था, जिसे पिछले 75 साल के इतिहास में सबसे भयानक हमला माना गया। और इसराइल की सेना ने दावा किया कि इस हमले में हमास ने आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया। इसराइल हमास युद्ध पर नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान सामने आया। इसराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस से आए बयान में साफ तौर पर कह दिया गया कि उनका लक्ष्य हमास को खत्म कर देना है, और इसी बात को एक बार फिर से दोहराते हुए नेतन्याहू दिखाई दिए, जो कसम उन्होंने 7 अक्टूबर को खाली थी, एक बार फिर से उसे दोहराया और कहा कि उनका लक्ष्य हमास का नामो निशान मिटा देना है, हमास को खत्म कर देना है। और उधर हमास की तरफ से अमेरिका के 2 नागरिकों को रिहा करने की खुशी में इजराइल के लोगों ने जश्न मनाया है। उन्होंने इस खुशी में दिए जलाए और गीत भी गाए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजराइल के लोग जश्न मनाते नजर आए, क्योंकि हमास की तरफ से बंधक बनाई गई अमेरिका की मां और बेटी को हमास की तरफ से सुरक्षित रिहा कर दिया गया, और इसी खुशी में उन्होंने दिए जलाए और गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने इसराइल का झंडा भी सजाया और उसके आसपास रोशनी की और फूल लगाए। 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने इसराइल पर धावा बोला था, इसमें हमास के लड़ाके सैकड़ों लोगों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर ले गए थे, जिसके बाद हमास की तरफ से अमेरिका के 2 नागरिकों के रिहा होने पर इसराइल के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया। और लेबनान बॉर्डर पर हुए हमले में इजराइल की सेना पर बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्ला के आतंकियों ने IDF के कैंप पर हमला किया। इस हमले में इजराइल के सेना के 2 जवानों के भी मारे जाने का दावा है। हमले में IDF के कैंप में बड़े नुकसान का दावा किया गया। एक तरफ आप देखिए IDF की तरफ से जब जबरदस्त हमले किए गए तो हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्ला के आतंकियों ने भी पलटवार किया है। IDF पर यहाँ पर हमला किया गया और कई सारे सैनिकों पर यह हमला किया गया है। हिजबुल्ला ने इसराइल को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था, वो भी तब जब इसराइल ने यह ऐलान कर दिया कि उसकी सेना किसी भी वक्त गाजा में घुस सकती है, जिसके बाद चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया और ईरान ने इसराइल को अमेरिका की धमकी दे डाली। यानी दुनिया एक बार फिर भारी तबाही के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। हमास और इसराइल की जंग में दुनिया के कई ताकतवर देशों ने एक दूसरे के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि हमास से हिसाब बराबर करने पर उतारू इसराइल को अमेरिका और उसके दोस्तों का पूरा समर्थन मिला, जबकि रूस, ईरान और चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया 2 धड़ों में बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद अलग थलग पड़ चुके रूस और चीन ने इसराइल और हमास की जंग का रुख ही मोड़कर रख दिया। वो खुलकर गाजा में इसराइल के हमलों में मारे जा रहे लोगों के लिए बोलने लगे, जिसने फिलिस्तीन समेत पूरे पश्चिम एशिया में उनकी पकड़ मजबूत कर दी और बाइडेन देखते रह गए। और यही नहीं, बाइडेन की फिलिस्तीन और जॉर्डन की मनाने की कोशिशों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि इन देशों के नेताओं ने बाइडेन से मिलने से ही इनकार कर दिया। यानी तीसरे विश्व युद्ध का माहौल तक बन सकता है,
क्योंकि इसराइल के साथ वो देश खड़े हैं जिन्होंने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला था, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जबकि फिलिस्तीन के साथ रूस, चीन और करीब करीब पूरा पश्चिम एशिया खड़ा है, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र जैसे मुस्लिम देश शामिल हैं। मुस्लिम देशों की नाराजगी का अंदाजा इसराइल से आई एक और खबर से लगाया जा सकता है। इसराइल के मीडिया ने दावा किया कि दो दिन पहले बाइडेन की यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उनसे फोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया था। बाइडेन दो दिन पहले इसराइल के दौरे पर गए थे, जहां से वो जॉर्डन जाने वाले थे और वहां उनकी मुलाकात महमूद अब्बास से होनी थी, लेकिन बाद में ये पूरा कार्यक्रम ही रद्द हो गया था, जिसके बाद दावा है कि बाइडेन ने महमूद अब्बास से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति इसके लिए भी तैयार नहीं हुए थे। इधर हमास से 15 दिनों से जारी जंग के बीच इजरायल की सेना का बड़ा बयान सामने आया। IDF ने कहा कि हमारी सेना हमास को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमास और उसके आतंकवादियों को हर हाल में खत्म करना बहुत जरूरी है। इस बात को एक बार फिर से इजरायल की सेना की तरफ से दोहराया गया। हमास को जवाब देने के लिए अपनी तैयारी भी पुख्ता रूप से यहाँ पर जाहिर की है IDF ने। और उधर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को रोकने और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने गाजा में हुए हमले को नरसंहार बताया और इसे रोकने की मांग की। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हाथों में नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर लोग इसराइल के हमले के विरोध में आवाज बुलंद करते दिखाई दिए। यही नहीं, सभी प्रदर्शनकारी काले रंग की टी शर्ट पहने हुए थे। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी तो अमेरिका की संसद भवन के अंदर घुस गए और वहां उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यूक्रेन जंग के बाद जो माहौल बना वो इसराइल और हमास की लड़ाई के बाद और गर्मा गया। ये यूं कहें कि अमेरिका और रूस ने तय कर लिया कि वो खुलकर किस देश का साथ देंगे, मतलब विश्व युद्ध की बिसात बिछती हुई दिखने लगी, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को गाजा में घुसने की हरी झंडी दे दी, जबकि वो ये जानता है कि इसराइल के गाजा में घुसते ही ऐसा विनाश हो सकता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की मजबूरी ये है कि वो इसराइल जैसा पक्का दोस्त गवा नहीं सकता, और इसीलिए वो मुस्लिम देशों की नाराजगी की कीमत पर इसराइल के साथ खड़ा है और हमास के खात्मे में इसराइल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसराइल और हमास की जंग में इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देशों का खेमा तैयार हो गया, जो सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, लेबनान, ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन के सामने खड़े हैं। यानी अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले देशों में मुस्लिम देश तुर्की भी शामिल है, जबकि नेटो में तुर्की अमेरिका के साथ है। इसराइल और